किसान भाइयों, मैं आज जंधेड़ी गांव में हूं और ये जानसठ में पड़ता है। ये देखिए कितने सुंदर रास्ते हैं इस गांव में। और मैं सबसे पहले आपके बारू सिंह जंधेड़ी चौधरी हरी सिंह भवन बारू सिंह इनके यहाँ लेके चलता हूँ। इनका मकान देखिए आप, काफ़ी बड़ा घेर है। किसान भाइयों, इस तरह का ही मकान अच्छा लगता है। बड़ा इधर बाथरूम है, इधर कृषि यंत्र हैं, रोटावेटर, और इधर पशु हैं, इधर चौपैया खड़ा हुआ है। देखो कितने शौकीन किसान हैं, चौपैया भी ईंटों पर खड़ा कर रखा। और ये इनका ट्रैक्टर है मैसी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो थोड़ा सा परिचय दो आप अपना। जी, मेरा नाम वरुण सिंह, गांव जंधेड़ी। अच्छा जी, विकास खंड जानसठ, जिला मुजफ्फरपुर। तो ये ट्रैक्टर बड़ा सुंदर लग रहा है, तो ये कौन सा मॉडल है जी? यो अप्रैल 18 है, ये 2018 में 2018 में लिया था। हाँ, तो कैसा लग रहा ट्रैक्टर? ट्रैक्टर बढ़िया लग रहा जी, कोई दिक्कत नहीं है? कोई नहीं जी। इससे पहले कौन सा रखा? सादा मैसी था जी। अच्छा, और कोई कंपनी का नहीं रखा आपने? और नहीं रखा जी, मतलब मैसी पसंद करते हैं? मैसी है जी, शुरू से ही। तो वो अच्छा लगा, ये अच्छा लगा भाई? वो तो अच्छा था ही, वो सादा था, ये डीआई में है, ये थोड़ा सा दब जा जी। ये वो? हाँ जी, मोड़ को आकर दब जा थोड़ा सा। ये वाला या वो? यो दबा जी, वो नहीं दबाता बिल्कुल भी। अच्छा, सादे में ताकत जाते थी? हाँ जी। टीलर पे कहीं पे? टीलर पे। अरे, जबकि वो छोटा था? वो छोटा है, वो डायफ्राम सिस्टम था, ऑटोमेटिक ताकत लगा था। टीलर जैसा वो खींचते थे, यो नहीं खींचता इतना बढ़िया? यो नहीं खींचता इतना। अरे आज पहली बार सुना मैं तो। और लोग तो उसे कबाड़ियों को बेच रहे हैं सादे मैसी को? नहीं, वो तगड़ा टीलर खींचता यो भी, यो लोड पर आकर मोड़ पर दब जा। अच्छा, वो नहीं दबेगा? वो नहीं दबाता। तो ये उससे ग्यारह खींचे जी वैसा भी टीलर। हाँ, लेकिन थोड़े आरपीएम तोड़ दे, इसमें डायफ्राम सिस्टम नहीं है ना? नहीं जी। हाँ, तो भैया देखो कितना बढ़िया ट्रैक्टर है, सुंदर, बिल्कुल नया पड़ा ट्रैक्टर। ये देखिए आप, बम्पर कितना सोना है। बहुत शौकीन किसान है, बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। ये देखिए आप, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं जी। तो पॉलिश वालिश मारते रहो इस पर? अच्छा जी, बड़ा साफ ट्रैक्टर है। तो ये कितने घंटे चल गया जी? 727 हो गया दिखा ये, 25 जी, 725। हाँ जी। ये भाई, ये चार गियर में है, 540 पीटीओ है। एक बार आवाज़ सुनवा दो इसकी, स्टार्ट कर दियो। क्या शानदार आवाज है। तो तेल वेल का खर्चा ज्यादा तो नहीं है इसका? कोई ज्यादा नहीं, बढ़िया चलता है, बहुत बढ़िया, बंद कर। और ये मकान कौन से सन में बनाया था जी आपने? ये 3 साल हो गए जी। अच्छा, 3 साल, बड़ा सुंदर बना रखा। तो कितनी जगह होगी ये टोटल सारी? यो 1 बीघे से थोड़ी ऊपर है जी। 1 बीघे ज्यादा? हाँ, मेरे ख्याल में ऊपर का बाद में बनाया, कई साल बाद है ना? यो कई साल बाद में बनाया, ये 2002 बन गया था नीचे। अच्छा, नीचे का। हाँ जी, बहुत सुंदर है जी। और पशु भी रखते हो, दूध गया ना? तो ये कौन सी नस्ल की भैंस है जी, जरा बताइए उसके बारे में? हरियाणा से आई हुई है जी। अच्छा, हरियाणा मुर्रा नस्ल की जी। हाँ। कितना दूध देते है? यो 12-13 किलो दूध दे। ठीक है। हाँ, अभी लाए थे, काफी दिन हो गए? यो पिछले साल लाए थे जी, हरियाणा से ही। कते की पड़ गई थी? यो पड़ी जी 1,10,000 रुपए की। अच्छा, और ये यो हेंतेली थी गाँव में से, तेलियों के से। ये भी मुर्रा नस्ल की? हाँ। दूध में ये भी अच्छी होगी? यो भी अच्छी जी, इससे बढ़िया। अच्छा जी, बारीक चामी की ना? हाँ। और ये जी? यो घर की जोटी, ये इससे पहले हरियाणा से लाए थे, उसके नीचे की। अच्छा, ये भी अच्छा दूध दे रही? हाँ।
और ये गाय होगी, जो गाय है। अच्छा छोटा वोटा नहीं रखते? छोटा सीजन से पहले जब बरसात में छीन लिया हुआ है। भाई ये देखिए, अगर यहाँ टीन शेड होता तो ऊपर छत काम नहीं आती। ये किसान भाई जो हैं ज़्यादातर लेंटर पसंद करते हैं। अब जा और ये इनकी खुट्टी मशीन है, ये सेफ्टी के लिए ऊपर टीन लगा हुआ है और ये पत्ती डाल रखी है सर्दियों के लिए। ये भाई उनकी बैठक है। अच्छा इधर, हाँ भाइयों ये जनरेटर है इधर, ये है लिस्टर। अच्छा पट्टा लगा के तो कुट्टी काट लो यहाँ से जी, और जब लाइट की जरूरत पड़े तो ये लगा दो। तो ये 7.5 का कितने का है? 7.5 का है। बहुत बढ़िया। अच्छा इस इंजन का भी खर्चा कम ही है? इसका बहुत कम है। अगर चलाना पड़ जाए रात बात को किसी प्रोग्राम में तो एक घंटे में 1 लीटर खाता होगा मुझसे कम खावा ये एक। अच्छा एक से कम खावा है, ट्रॉली भी ज़्यादा खा जा बल्कि। हाँ ये ट्रॉली ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। और भाई वो देखो फाउंडेशन बना हुआ है, बड़ा मजबूत काम कर रखा है। अच्छा गन्ने से डाल लो बुग्गी से ही? हाँ जैसे चौपैया खड़ा इसकी जरूरत नहीं पड़ती तो कभी आज जरूरत पड़ जाए, मिल में ज़्यादा स्टॉक हो जाए तो बेचो होने से नहीं ग्राहक है उसके पास मेरे पास है। नहीं हो तो भेज दे, भेज दोगे? हाँ आओ तो इसकी बना दें। अच्छा ये कौन सा मॉडल है जी अल्टो आपकी? जो शादी है ये। अच्छा 800 2007 भाई ये सरकार ने रोक लगा ली कि इससे बढ़िया गाड़ी नहीं बनता। अभी तो इसका कार्यकाल हो गया पूरा या अभी है? ये अभी तो चल ही रहा है 1-2 साल तो, और यहाँ तो चलो ही जाएगी लोकल। हाँ, तो लोकल में चलो जाए कोई दिक्कत ना। बहुत बढ़िया। और भाइयों एक चौपहिया है इनके पास में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चौपहिया बिकाऊ है क्योंकि पहले मील में गन्ने डालते थे, अभी ये डाल रहे हैं सेंटर पर। किसी भाई को लेना हो तो देख लो, लोहे का है। अच्छा वजन कितना होगा इसमें? इसमें 9.5 क्विंटल वजन है। बिल्कुल टायर वायर सब बढ़िया है? ठीक है जी बढ़िया। क्या मांग रहे, क्या डिमांड है इसके लिए? 1.5 भाई 1,05,000 रुपये मांग रहे हैं चौपहिए के। शामली का बना हुआ है? और ये शामली का बना हुआ है, बिल्कुल चालू है। इसके डाले वाले और कुछ हैं? बस और कुछ नहीं, नहीं तख्त है ये। अच्छा तख्ते हैं लगाए आगे पीछे के सब? हाँ ये चार अंडर। ये देखिए भाई बिल्कुल लोहे का है पूरा। तो कितना ले जा वजन? ये 100 क्विंटल मारने खाना का। अच्छा 100 भी भर लें? हाँ जी जैसा छूट छाट सी चले ली अपने 100 क्विंटल गांड तुम भाई को। बहुत बढ़िया। तो भाई मैं किसान भाई का नंबर दूंगा, जिस भाई को चौपहिया चाहिए तो वो ले सकते हैं। चौपहिया बोल रहे हैं ना इसे? हाँ चौपहिया। तो भाइयों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नमस्कार, अगली वीडियो पे चलते हैं।